हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी साइंटिस्ट आफिया को छुड़ाने के लिए अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोस्तों चार को बंधक बना लिया गया है, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ नेपाल के विपक्षी दलों ने ऐसा क्या कहा है दोस्तों, जिससे नाराज हो गया अपना भारतीय दूतावास और देना पड़ा नेपाल को कड़ाके का जवाब। अब जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है ये खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहाँ पर चीन के बड़े ही नापाक इरादे, और दोस्तों एलओसी के पास बीएसएफ जवानों ने फ्रीजिंग टेम्परेचर पर किया डांस। जी हाँ दोस्तों, वॉलीबॉल खेलने के बाद ये दूसरा एक और बड़ा वीडियो निकल कर सामने आया है, जहाँ पर अपने भारतीय जवान खेलते और नाचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों साथ ही बताएंगे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज करेगी बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े नेताओं को पार्टी में करेगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन कौन से नेता आज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों बताएंगे जहाँ अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, और जैसे ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होकर पहुंचे रामपुर, पुलिस ने देखते ही कहा बकरी चोर भैंस चोर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों आपको आज। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मोदी लहराएगी दोस्तों, और भगवा लहराएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी आतंकी साइंटिस्ट आफिया को छुड़ाने के लिए अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला, चार को बनाया गया है बंधक। दरअसल अमेरिका के टेक्सास में पाकिस्तान आतंकी साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने बड़ा हमला किया है दोस्तों। ये आतंकी हमला यहूदियों के एक पूजा स्थल पर देखने को मिला है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है दोस्तों। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट आफिया को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों ने चार लोगों को बंधक भी बना लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, दरअसल आपको बता दें यहूदी मंदिर में चार लोगों को बंधक बनाने वाले आतंकवादियों की मांग थी कि टेक्सास जेल में बंद साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री लेने वाले पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी सिद्दीकी को 2010 में 86 साल की जेल की सुनाई गई थी दोस्तों सजा। उन पर दो साल पहले अफगानिस्तान में हिरासत में लिए जाने के बाद अमेरिकी सेना के अधिकारियों पर हमला करने और गोली मारने का आरोप। और ऐसे में दोस्तों जो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर 12 घंटे बाद शनिवार की रात को उस आतंकवादी से दोस्तों इन चारों लोगों को रिहा करवा लिया गया है और आतंकी को मार गिराया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही होगा दोस्तों, क्योंकि जब वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट को रिहा करवाने की बात कह रहा है तो आतंकवाद भी पाकिस्तानी ही होगा। तो हमें भी यही लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या आप सपोर्ट करेंगे इस बात का, क्या आपको भी लगता है पाकिस्तानी आतंकवादी होगा वो, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय दूतावास ने दिया है नेपाल को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ नेपाल के विपक्षी दलों ने कह दी ऐसी बात, जिसके बाद नाराज हुआ अपना भारतीय दूतावास। दरअसल भारतीय दूतावास ने शनिवार को काठमांडू में कहा कि नेपाल से लगी उसकी सीमा पर भारत का रुख जग जाहिर पहले जैसा और स्पष्ट है। भारत की ओर से यह बयान ऐसे वक्त आया है जब नेपाल के विपक्षी दलों ने उन खबरों को लेकर असंतोष जताया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां कर रही है जिन्हें नेपाल के अपने नक्शे में शामिल किया गया है। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोले तो CPNUML ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से सीमा मुद्दे पर बोलने और लिपुलेख पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। UML के विदेश विभाग के प्रमुख राजन भट्टराई ने एक बयान में कहा है कि UML का अटूट विश्वास है कि सड़कों और अन्य संरचनाओं का निर्माण रोक दिया जाना चाहिए, बातचीत के माध्यम से समस्या का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए, तब तक कोई ढांचा निर्मित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बातचीत के जरिए मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। भारत नेपाल सीमा के सवाल पर नेपाल में हाल ही खबरों और बयानों को लेकर मीडिया के सवालों पर भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने जवाब दिया है दोस्तों, और कहा कि भारत नेपाल सीमा पर भारत सरकार का रुख जग जाहिर है पहले जैसा और स्पष्ट है, इस बारे में नेपाल सरकार को अवगत करा दिया गया है। अब भारत इस पर दोहरा
विचार नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने एक बार अपना रुख साफ कर लिया है दोस्तों, और दोबारा सच में भारत को उस पर नहीं विचार करना चाहिए, और लिम्पिया धुरा काला पानी और लिपुलेख भारत का हिस्सा है दोस्तों, अभिन्न हिस्सा है, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन के नापाक इरादे नेपाल को अपना गुलाम बनाने के लिए चल रहा है ऐसी चाल। जी हाँ, नेपाल के उत्तरी इलाके में स्थित रसू वगधी किरंग बॉर्डर पॉइंट चीन की तरफ से बंद किए जाने से नेपाल के लोग चीन से काफी गुस्से में हैं। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने साल 2015 में और 16 में दोस्तों चीन के साथ समझौते करके अपने सीमा खोलने का समझौता किया था, जिससे बॉर्डर के इस्तेमाल नेपाली लोगों के आने जाने के साथ साथ चीन के पोर्ट का इस्तेमाल करके दूसरे देशों का सामान आयात और निर्यात किया जा सके, लेकिन इसमें आवाजाही बाधित है। यही नहीं दोस्तों, साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान ये भी कहा था कि नेपाल जिसे लैंड लॉक्ड देश माना जाता है, हम उसे लैंड लिंक्ड देश बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी चाल चाइना नेपाल के खिलाफ चल रहा है दोस्तों, लेकिन चाइना की ये चाल नेपाल को दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, और भारत जो उसका हमेशा से सपोर्टिव देश रहा है दोस्तों, हमेशा से उसकी मदद की है, ऐसे में भारत पर चढ़ने की कोशिश नेपाल द्वारा की जा रही है। क्या जवाब मिलना चाहिए नेपाल को, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है नेपाल को लेकर बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां एलओसी के पास बीएसएफ जवानों ने फ्रीजिंग टेम्परेचर पर किया है डांस, वायरल हुआ है एक और नया वीडियो। जी हां, देश के जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले बीएसएफ जवानों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ जवान एलओसी के पास बर्फ की चादर से ढकी जगह पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए डांस कर रहे हैं। ये वीडियो बीएसएफ कश्मीर के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहाँ बीजेपी आज करेगी सबसे बड़ा धमाका, कई बड़े नेता पार्टी में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासत का सुपर संडे आज है, भारतीय जनता में आज कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर के कमिश्नर रह चुके असीम अरुण भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने राजनीति में जाने के लिए वीआरएस लिया है दोस्तों, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बता दें असीम अरुण ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे समाज की और सेवा करने का, राजनीति का रास्ता चुनने का सुझाव दिया है। बहुत से ऐसे काम है जो मैं अपनी जॉब के दौरान नहीं कर पाया, इसलिए मैंने राजनीति में जाने का फैसला किया है। मैं पीएम मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वो भारत को विकास के नए पथ में लेकर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहाँ अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं फिरोजाबाद से सपा के पूर्व एमएलए ओम प्रकाश वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटका लगा है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी को भी लगातार झटका लगने वाला है दोस्तों। खबर यह है कि फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा आज बीजेपी में शामिल होंगे। विधायक मुकेश वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देते हुए दिया था इस्तीफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी बहुत बड़ा झटका दोस्तों समाजवादी पार्टी को अब लगने वाला है, और ये झटका आज नहीं है दोस्तों, लगातार अब ये झटके पे झटका अखिलेश यादव को लगेगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या होगी आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बता दें, जहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होकर पहुंचे रामपुर, पुलिस देखते ही बोले बकरी चोर भैंस चोर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम 23 महीने की जेल काटने के बाद रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे। वहां घर से चंद कदम के फासले पर भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर वे पुलिस पर तंज कसने से नहीं चुके। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। अब्दुल्ला की रिहाई के बाद घर वापसी पर उनके घर को रंगीन लाइटों से सजाया गया था। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पहुंचकर उनके घर के निकट तैनात पुलिस फोर्स को देखकर कुछ इस तरह कहा कि घर पर कोई नहीं आएगा, इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई ना आए, ये है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते, कोविड प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। घर 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 पर आने से लोगों को रोक रहे हैं ये लोकतंत्र। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं, यहाँ घर पर लोग नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, कमिश्नर साहब ने घर के अंदर खाना तक ले जाने से मना कर दिया। दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे साथ जितनी जाति हो रही थी, होली भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो जातियां और भी रह गई हैं वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लोगों ने जो जो इनको जातियां की थी दोस्तों, जातियां क्या सच्चाई है और सही किया गया है दोस्तों, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप भी बकरी चोर और भैंस चोर जैसी हरकतें इन्हीं में देखते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में अंतिम खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव से खबर, जातीय गणित को साधने के लिए बीजेपी ने अपनाया कल्याण सिंह का ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए क्रमशः 57 और 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है, और सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पहले सूची में वही फॉर्मूला अपनाया है जो कभी कल्याण सिंह अपनाया करते थे। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी दलित और ओबीसी का मेल बनाकर चुनाव में मिशन 300+ को हासिल करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी ये सारी निकल कर आ रही थी दोस्तों, जो हमने आपको बताई है। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी खबर। ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि इस बार फिर योगी सरकार ही आएगी और योगी जी होंगे मुख्यमंत्री? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा, मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।